नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, 500 वोट अवैध थे, दो उम्मीदवारों ए और बी ने चुनाव लड़ा और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो कुल डाले गए वोटों की संख्या बताइए। देखिए, मैं मान लेता हूं जो कुल वोट डले हैं वो 100 यूनिट डले हैं, राइट। इसमें से 2% लोगों ने तो वोट नहीं किए, ठीक है, तो वोट डाले कितने लोगों ने, 98 यूनिट ने, ठीक है ना। मैंने 100 यूनिट माना हुआ है तो 2% 100 का 2 ही होता है, तो 98 जो यूनिट लोग थे उन्होंने क्या किया, वोट डाले, ठीक है। अब क्या है, ये ए है, ये मैंने बी मान लिया, राइट। अब ए को टोटल 100 का कितने परसेंट वोट मिले हैं, 43, ठीक है, यानी 43% मतलब 43 वोट मिले हैं, ठीक है। और ये भी बोला गया है ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, यानी ए ने बी को कितने वोट से हराया है, 200 वोट से, ठीक है। और 500 वोट ये क्या है, अवैध है। मैं मान लेता हूं ये 500 वोट अवैध नहीं होकर के बी के पक्ष में गिरे हैं, ठीक है। अब बी को ये 500 वोट मिल गए तो बी जब 200 वोट से हारा था, अब जो ये 500 वोट इधर ऐड हुए हैं तो बी जो है 300 वोट से जीत गया। अगर बी 300 वोट से जीता है, 2% लोगों ने वोट नहीं डाले, ठीक है, 43% वोट ए को मिले हैं, तो 55% वोट किसको मिले होंगे, बी को, यानी 55 यूनिट किसको मिले होंगे, बी को, ठीक है। अब देखिए बी को ए से कितने यूनिट वोट ज्यादा मिले हैं, तो यहां से हमें पता चलेगा 12 यूनिट, 12 यूनिट वोट बी को ए से ज्यादा मिले हैं, क्योंकि हमने मान लिया जो ये 500 वोट अवैध थे वो बी को मिल गए और बी जो है 300 वोट से जीत गया, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 300, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25, ठीक है ना। हमसे पूछा क्या है, टोटल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है, डाले गए वोट कितने थे, 98, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25, तो 98 की कितनी होगी, गुना करेंगे तो 2450, राइट। तो ऑप्शन जो ए है यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही आंसर है।